Good morning, students. Today we discuss our subject EEE, that is energy and the environmental engineering. And today's the topic is main function of the ecosystem. Already we discussed earlier structure of the ecosystem. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम हम डिस्कस कर चुके हैं सभी से. सब जानते हो ना स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम के बारे में. ओके, अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेन फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम. इकोसिस्टम का पहले तो डेफिनेशन हमने डिस्कस किया, फिर हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया. आज हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कितने मेन फंक्शन होते हैं इकोसिस्टम के. अगर हम मेन फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम की बात करें तो दैट इज डिवाइडेड बाय द थ्री पार्ट्स. फर्स्ट वन इज द एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम, सेकेंड इज द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, थर्ड वन इज द इकोलॉजिकल सेक्शन. ठीक है, तो ये तीन अपने पार्ट्स हैं जिसको हमने डिवाइड किया है. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट वन इज द एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम. ठीक है, एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम क्या है. पहले तो मैं यहाँ डेफिनेशन से ही बताती हूँ. देखो, एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम का मतलब, इकोसिस्टम हम जब बोलते हैं उसका मतलब होता है बायोटिक और एबायोटिक, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तब हमारा इकोसिस्टम बनता है. ठीक है, तो इकोसिस्टम बना बायोटिक एबायोटिक, यानी इसका मतलब है एनर्जी का भी फ्लो होगा. बिना एनर्जी के तो कोई काम नहीं होगा. दैट मीन्स की एनर्जी फ्लो हो रही है थ्रू एन इकोसिस्टम में. ठीक, सेकेंड आता है अपना न्यूट्रिशन साइक्लिंग. जहां से चीजें बन रही है फिर फर्दर हम वहीं आ रहे हैं, तो मतलब एक पूरा साइकिल बन रहा है ना. एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम, सॉरी न्यूट्रिशन साइक्लिंग, मतलब हमने अगर न्यूट्रिशन साइकिल की बात करो तो जैसे प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, और उसके बाद क्या आता है अपना थर्ड वन इज द डीकम्पोजर. तो उन्हीं में प्रोसेस होता है, अभी मैं डिस्कस करूंगी आपसे ये सारी चीजें. फिर अपना आता है इकोलॉजिकल सेक्शन. इकोलॉजिकल सेक्शन का मतलब होता है कि एक कम्युनिटी को रिप्लेस करके दूसरी कम्युनिटी को लेकर आना. इसमें बहुत टाइम लगता है, ये भी डिस्कस करती हूँ, बताती हूँ आपको कि कैसे होता है सब. अगर हम पहला पार्ट जो है अपना, दैट इज एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम, एनर्जी का फ्लो एक पूरे इकोसिस्टम में कैसा होता है. सबसे पहले चीज कि यहाँ देखो डायग्राम से दिख रहा है कि फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द टॉप कंज्यूमर इज कॉल्ड एनर्जी फ्लो. सेकेंड इज द यूनिडायरेक्शनल इन नेचर, एंड थर्ड वन इज द लेवल ऑफ द फूड चेन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल. ठीक, अगर आप फ्लो ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर, तो प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, दे मेक देयर फूड ओन थ्रू बाय द यूज ऑफ द फोटोसिंथेसिस, दैट इज ग्रीन प्लांट्स, राइट. तो दिस इज कॉल्ड प्रोड्यूसर. एंड द व्हाट इज द टॉप कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर इज ऑल्सो नोन एज द ओमनिवोरस. ठीक है, एज ऑलरेडी डिस्कस कि व्हाट इज प्राइमरी कंज्यूमर, व्हाट इज सेकेंडरी, व्हाट इज टर्शियरी, एंड व्हाट इज टॉप कंज्यूमर. ठीक है, पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं आप लोगों से ये सारे कंज्यूमर के बारे में. तो अगर हम एनर्जी फ्लो के बारे में बात करते हैं, तो व्हाट इज एनर्जी फ्लो. सो एनर्जी नीडेड फॉर द फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम कम्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स लाइक सन. सो सोलर एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इंटू केमिकल एनर्जी by using photosynthesis, and this energy is nothing but the carbohydrates and the oxygen. अगर हम photosynthesis का process करते हैं तो photosynthesis की equation अगर हम लिखते हैं तो photosynthesis कैसे हो रहा है, carbon dioxide और water को हमने add किया. तो अगर हम इसकी equation की बात करें तो आप ये बताओ कि water का क्या chemical formula होता है और carbon dioxide का क्या होता है. तो दोनों का अगर कॉम्बिनेशन मिला विद द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, तो हमारे पास जो रिएक्शन होगा, जो रिजल्ट होगा, वो क्या बनेगा, एक तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 और H2O, तो हमारा CH2O बना यानी कार्बोहाइड्रेट. फिर उसमें हमें कुछ ऑक्सीजन भी मिल रही है और कुछ वाटर भी मिल रहा है, तो इसी को फर्दर हमें यूटिलाइज करना है, किसमें, कंज्यूमर को देना है, फिर कंज्यूमर से डीकम्पोजर को, और फिर से फर्दर अपनी चीजें होगी. ठीक, सो दिस इज द पार्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय द प्रोड्यूसर लाइक प्लांट फॉर देयर ग्रोथ, एंड द रिमेनिंग एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू कंज्यूमर. ठीक है,
फिर अगर हमने डिकम्पोजर की बात की, ठीक है, तो डिकम्पोजर का मतलब होता है डिकम्पोजर यूटिलाइज द एनर्जी विद द सॉरी कंज्यूमर प्रोड्यूसिंग इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एंड दिस न्यूट्रिएंट इज अगेन यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस फूड फॉर द कंज्यूमर। देखो यहाँ पे अगर डायग्राम आपको दिख रहा है तो देखो यहाँ पे डायग्राम एक पिरामिड फॉर्म में बना है, ठीक है। तो ये जो पिरामिड फॉर्म में अपना डायग्राम बना है उसमें क्या है, ये इसको हम बोलते हैं ये अपना एनर्जी का फ्लो हो रहा है, ये यूनिडायरेक्शनल एक ही डायरेक्शन में होगा। और दूसरी चीज है कि जो इसको हमने डिवाइड किया है वो हम 4 to 5 पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो 4 to 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं वो कैसे होगा, अपना प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करने का रीजन यही है कि 4 या 5 पार्ट में, क्योंकि कंज्यूमर जब अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर और डिकम्पोजर। तो कंज्यूमर में ही अपनी 3 to 4 पार्ट्स है। तो हम ट्रॉपिक मतलब एक पिरामिड को हम 4 to 5 पार्ट्स में ही डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम रखते हैं जो सबसे लोएस्ट होता है, दैट इज प्रोड्यूसर, देन कम टू द प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर एंड देन टर्शरी कंज्यूमर। तो ये हम 4 पार्ट्स में रखते हैं, ठीक है। अब प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, और द लेवल ऑफ द फूड चेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर, जो प्रोड्यूसर से लेके टॉप कंज्यूमर तक का जो लेवल होता है दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर हम बोलते हैं ग्रास, जो हम ग्रीन प्लांट की बात करते हैं। फिर प्राइमरी कंज्यूमर है, तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या हो जाएगा, अपना ग्रास ओवर हो जाएगा, ठीक है, जो सिर्फ प्रोड्यूसर को खाता है, मतलब जो सिर्फ ग्रीन प्लांट को खाता है। सेकेंडरी कंज्यूमर का मतलब होता है जो प्राइमरी पे डिपेंड करता है, जैसे फ्रॉग, फ्रॉग किसको खा रहा है, सिर्फ ग्रास ओवर पे खा रहा है। फिर आता है अपना टर्शरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर का मतलब ये है कि अपना वो होता है अपना स्नेक, है ना, स्नेक किसको खा रहा है, वो फ्रॉग को खा रहा है। और फिर उसके बाद अपना टॉप कंज्यूमर जिसको हम ओमनीवोरस कहते हैं, जो प्लांट और एनिमल दोनों को भी क्या करता है, कंज्यूम करता है, ठीक है। इसीलिए हमने इसको फर्दर किया है। अब देखो इसमें एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है, एनर्जी का फ्लो ऐसा होगा, ग्रास ऊपर को ग्रास खाएगा उससे कुछ एनर्जी मिलेगी, फिर ग्रास ऊपर को फ्रॉग खा रहा है फिर उससे एक एनर्जी मिल रही है, और फिर स्नेक उस फ्रॉग को खा रहा है, मतलब एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, है ना, एक ही फ्लो में होता है ये एनर्जी। लेकिन ये एनर्जी हमें फुल टू नहीं मिलती, मतलब अगर हमने जैसे एक एग्जांपल देखो कि ये मैं इसमें किसकी बात कर रही हूँ, दैट इज एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल अपवर्ड ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एट ईच ट्रॉपिक लेवल। मतलब अपना कहना ये है कि जो एनर्जी जो डिक्रीज हो रही है फ्रॉम फर्स्ट लेवल से अपवर्ड डायरेक्शन में ईच लेवल में, हर लेवल में एनर्जी डिक्रीज होती है। जैसे प्लांट को खाया डियर ने, तो इसका जो एनर्जी मिला डियर को वो 10% तो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, बट 90% रिलीज कर दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट। फिर डियर है, डियर क्या कर रहा है, वो डियर जो है अपना वो कंज्यूम कर रहा है जितनी डियर को खा रहा है कौन, टाइगर। आप टाइगर के पास 10% एनर्जी होगी और वो 90% एनर्जी को क्या करेगा, वो रिलीज कर देगा, ठीक है। तो ये एक एनर्जी का फ्लो है जो वन डायरेक्शनल में चलता है, यूनिडायरेक्शनल में चलता है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट आता है अपना न्यूट्रिशन साइकिल। न्यूट्रिशन साइकिल का मतलब जो न्यूट्रिएंट है वो हम एक साइकिलिंग मतलब हम बना मतलब एक पूरा सर्कल एक साइकिल चलती है, हम इनिशियली बनाते भी हैं, यूज भी करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, फिर हम यूज करते हैं, उसको हम कैसे कर रहे हैं। सो अगर हम बात करें न्यूट्रिशन साइकिल की, तो प्रोड्यूसर यूजेस न्यूट्रिशन बाय प्रिपेयरिंग फूड एंड विच इज कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर एंड देन डिकम्पोजर रिकवर द न्यूट्रिएंट फ्रॉम कंज्यूमर। देयरफॉर न्यूट्रिएंट फ्लो बिटवीन बायोटिक एंड द एबायोटिक कंपोनेंट रिपीटेडली, इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन साइकिल और बायोलॉजिकल साइकिल। मतलब प्रोड्यूसर बनाता है, प्रोड्यूसर बना रहा है, कंज्यूमर उसे कंज्यूम कर रहा है, फिर से डिकम्पोजर जो होता है वो उसे डिकम्पोज करके फर्दर उसको बना रहा होता है। तो मतलब ये पूरी साइकिल बन जाती है जिसको हम बायोलॉजिकल केमिकल बायो
जियोकेमिकल साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। सो मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट एलिमेंट थ्रू वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, राइट। तो दिस इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज गैसियस एंड द सेडिमेंटरी। सो इन द गैसियस एग्जांपल वी टेक कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक। एंड द सेडिमेंटरी में हम ले सकते हैं सल्फर साइकिल और द फॉस्फोरस साइकिल। हमें इन सारी साइकिल को स्टडी करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेकर आपको समझा दूंगी कि वो साइकिल अपना पूरा का पूरा कैसे वर्क करता है। अगर एक हमने सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल ले लिया, दैट इज कार्बन साइकिल का, ठीक है। अब ये कार्बन साइकिल को हम कैसे यूज कर रहे हैं, या ये पूरा कार्बन साइकिल हमारा कैसे काम कर रहा है ना, तो उसके बारे में देखो डिस्कस करते हैं कि क्या हो रहा है। अब देखो अगर हमने यहाँ कार्बन साइकिल की बात देखी, तो देखो ये पूरा एनवायरनमेंट दिख रहा है, ठीक। कुछ प्लांट्स दिख रहे हैं, इंडस्ट्री दिख रही है, एनिमल दिख रहा है, फॉसिल फ्यूल दिख रहा है, सनलाइट भी दिख रही है, कुछ क्लाउड्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। देखो इंडस्ट्री का काम क्या होता है, इंडस्ट्री क्या एमिट करती है, कार्बन। तो इंडस्ट्री क्या होती है, कार्बन एमिट बहुत करती है, कार्बन एमिशन होता है बहुत, ठीक है। कार्बन का एमिशन होता है, तो वो कार्बन कहाँ एमिट, एमिशन के बाद कहाँ जाती है, एनवायरनमेंट में जा रही है, ठीक है। अब हमारे पास सनलाइट भी है, फिर प्लांट क्योंकि रेस्पिरेटरी का काम करता है, तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है, ठीक। फिर एक एनिमल है या हम ह्यूमन बीइंग, हमसे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, दैट कम्स टू गो टू दी कार्बन डाइऑक्साइड इन दी एनवायरनमेंट, ठीक है, ठीक। अब देखो ये सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट में जा रही है, तो अगर हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, अब क्योंकि हमारे पास ट्री भी अवेलेबल है, सनलाइट भी अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, तो सबके प्रेजेंस में हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उससे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है और कार्बोहाइड्रेट भी रिलीज होता है, ठीक है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो उससे क्या होता है कि ऑर्गेनिक कार्बन, तो कार्बन उसके वजह से देखो हम ह्यूमन बीइंग पे इफेक्ट होता है, तो हम भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होते हैं, एनिमल डिस्ट्रॉय होता है, वो एनिमल डिस्ट्रॉय होता है तो वो कहाँ पे जाता है, वो डेड होता है, तो डेड ऑर्गेनिज्म कहाँ जाता है, अपने अर्थ में, और एक बहुत लॉन्ग टाइम के बाद जो फॉसिल फ्यूल का क्रिएशन है वो चीजें होती है हमारी, ठीक। तो फॉसिल फ्यूल, अब फॉसिल फ्यूल मतलब पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, तो ये सारी चीजें कहाँ यूज हुई, फिर इंडस्ट्री में यूज हुई, मतलब वही है कि प्रोड्यूसर देन कंज्यूमर देन डीकम्पोजर देन अगेन प्रोड्यूसर, तो ये पूरी साइकिल है। तो एक मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया था कार्बन साइकिल का, इसी तरह और भी साइकिल है, तो ये हमें साइकिलिंग के बारे में ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, हमें एक छोटे सा कोई भी एक साइकिल लेके वहां पे एक्सप्लेन कर देना होगा कि इस साइकिल के थ्रू मतलब हम कैसे न्यूट्रिएंट दे रहे हैं हम, ठीक है। फिर इकोलॉजिकल सेक्शन, हमने मैम वेटिंग में हेलो इन कर लीजिए, वेटिंग में किसका आ रहा है, वेटिंग अभिषेक का आ रहा है, अभिषेक बेटा मैं उसको बार बार एक्सेप्ट कर रही हूँ, पर पता नहीं शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है उसकी तरफ से, मैंने 3 से 4 बार में कर लिया, फिर पता नहीं बार बार वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। चलो उसको बोलो कि अब देखो जब भी हम मेन फंक्शन की बात करते हैं इकोसिस्टम की, तो पहला हो गया एनर्जी फ्लो, कैसे एनर्जी फ्लो हो रहा है, फिर न्यूट्रिशन साइकिल कि कैसे पूरा एक साइकिल प्रोसेस होता है, फिर तीसरा आता है अपना थर्ड वन इज द इकोलॉजिकल ससेक्शन। अगर हम इकोलॉजिकल ससेक्शन की मीनिंग देखें, तो प्रोसेस ऑफ द इकोलॉजिकल चेंज इन एन इकोसिस्टम वेयर वन कम्युनिटी इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कम्युनिटी ओवर टाइम, एक ओवर टाइम में एक कम्युनिटी से हम रिप्लेस करके दूसरी कम्युनिटी में उसको रिप्लेस करना, तो ये प्रोसेस जो होता है वो बहुत ऑल ऑफ सडन नहीं होता, या थोड़ा सा टाइम नहीं लगता इसको रिबिल्ड होने में, इकोसिस्टम को काफी टाइम लग जाता है, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन अगर नाइदर आइदर नेचुरल और मैन मेड। और ये होता क्यों है, ये होने का रीजन ये है कि सपोज अर्थक्वेक आ गया, कभी कोई फ्लड आ गया, या फिर आप बोल सकते हैं अपना फॉरेस्ट में आग लग गई है ना, तो इन सब के वजह से पूरा का पूरा एक कम्युनिटी इकोसिस्टम का डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। इकोसिस्टम का अगर एक पूरी कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उससे होता क्या है अपना, अब उसको फिर से जनरेट होने, क्योंकि अगर ये सारी चीजें आई तो यानी वहां पे रहने वाले जो लिविंग चीजें हैं या कुछ स्पीशीज हैं वो क्या हो जाएंगे, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे,
डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उससे क्या होता है, उसको रीबिल्ड होने में काफी टाइम लगता है, ठीक। इसी को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सिसेक्शन, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि दिस इज ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस, इट इन्वॉल्व प्रोसेस ऑफ कार्बन कोलोराइजेशन एस्टेब्लिशमेंट एंड द एक्सटेंशन ऑन स्पीशीज, एंड द स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल चेंज ग्रेजुअली एंड ऑर्डरली, ठीक है। अब देखो मैं इसको फर्दर दो एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जो इकोलॉजिकल का सेक्शन होता है, एक तो उसमें हम पढ़ते हैं पाइनल कम्युनिटी और दूसरी पढ़ते हैं हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है। पाइनियर कम्युनिटी का मतलब होता है, अगर हम प्लांट सेक्शन की बात करें तो सबसे पहले देखो होता है एक ग्रेजुअली छोटा सा पौधा आएगा, उस पौधे के बाद एक पेरिनियल प्लांट आता है, ग्रास आता है, देन कम टू दी श्रब्स, ठीक, झाड़ आ गई, फिर उसके बाद हमारे सॉफ्ट वुड कुछ ट्रीज होती है, और उसके बाद अपना क्या आता है हार्ड वुड ट्रीज, है ना। अगर हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा पाइनियर कम्युनिटी का, तो पाइनियर कम्युनिटी का मतलब ये होता है कि फर्स्ट स्पीशीज टू कोलोनाइज एन एरिया, एग्जाम्पल लाइकन मोजेस, ठीक है। लाइकन देखो कहीं भी आपने अगर रॉक पे देखा होगा तो रॉक पे देखोगे छोटा छोटा, देखो ग्रीन कलर का या येलोइश कलर का ये दिखता है, तो इसका काम क्या होता है, इसको बोलते हैं लाइकेनोमोसिस। इसका काम क्या होता है, टॉक्सिन रिलीज करना, तो जिससे जो रॉक होती है वो ब्रेक हो जाती है और सॉइल के फॉर्म में होती है, और सॉइल फिर धीरे धीरे ग्रोथ होता है, और उस सॉइल के ग्रोथ के बाद हमारा नेक्स्ट जब सॉइल बन जाती है, मतलब एक बेस बन गया, तब हमारी क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है कि धीरे से पौधा आएगा, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया एक बहुत छोटा सा प्लांट आएगा, फिर थोड़े से ग्रासेस आते हैं, श्रब्स आता है, सॉफ्टवुड ट्रीज आती है और हार्डवुड ट्रीज आती है, तो ये लास्ट कम्युनिटी कोलोनाइज, जब एक पूरी कम्युनिटी बनती है, फिर धीरे धीरे वहां पे स्पीशीज आएंगे, लोग आएंगे, और मतलब एक इकोसिस्टम बनेगा। इकोसिस्टम का मतलब ही होता है कि हम बायोटिक और एबायोटिक का कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो कभी भी जो इकोसिस्टम है विदाउट बायोटिक एंड एबायोटिक कॉम्बिनेशन की वो कंसीडर नहीं होता, ठीक। अगर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, देखो एक एग्जाम्पल मैंने इसमें लिया है एक मूवी का, ठीक है। अगर इस मूवी का एग्जाम्पल देखते हैं तो ये क्या है अपना, एक मूवी का है, यहाँ पे देखो इसको देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है। फिर एक कोई फ्लड आ गया तो कितना डिस्टर्बेंस हो गया, चीजें डिस्टर्ब हो गई, ठीक है। फिर क्या होता है, अगर फ्लड आने के बाद वो पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो गया तो वहां से जितने भी स्पीशीज होते हैं वो नहीं रहेंगे, वो सबके सब धीरे धीरे लेफ्ट हो जाएंगे, ठीक। तो जैसे इसमें देखो दिख रहा है कि ये जो भी है वो जा रही है, तो वो स्पीशीज चली गई। फिर उसको डेवलप करने के लिए एक पाइनियर कम्युनिटी होती है जिसे हम लाइकेनोमोसिस कहते हैं, वो जब प्रोड्यूस होता है तब हमारा धीरे धीरे पूरा का पूरा एक प्रॉपर तरीके से प्लांट आता है, और उसके बाद जो हमारा लास्ट कम्युनिटी होती है दैट इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी, फाइनली हैप्पी एंडिंग, राइट। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था जिससे आपको